नमस्कार एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हेलो ना बोल के नमस्कार मैंने बोला है, क्योंकि ये मेरा 2021 यानी कि 2021 का पहला व्लॉग की जो है आज मैं शूटिंग कर रही हूँ। दिन आज का बहुत अच्छा है, वो मैं आगे बताती हूँ क्यों अच्छा है। तो आज मैं कर रही हूँ आज का व्लॉग, पहला व्लॉग 2021 का शूट। अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है रात के 8। व्लॉगिंग करने का आज कोई मूड नहीं था, कोई मतलब नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, बट ये जो हेडेक है ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए या थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों एकदम से हुआ कि चल व्लॉगिंग शुरू कर दे, और वो जैसे ही व्लॉगिंग शुरू करने के लिए मैं इधर इस वहाँ से यहाँ आई हूँ ना, उसी में मुझे फ़र्क लगने लगा। और आपको थोड़ा मेरा फेस भी डाउन लगेगा, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपके चेहरे पे अल्टीमेट दिखाई देती है कि ये आपको प्रॉब्लम चल रही है। तो चलो ठीक है, 2021 आपके लिए सबके लिए सुखमय हो, मंगलमय हो। 2020 जैसा था चला गया, और बहुत लोगों ने अपने को खोया, बहुत लोगों ने नई चीज़ों को पाया, और बहुत लोगों ने कोरोना से जो है जंग जीती। तो जो था अब उसको बस एक बुरी याद समझ के हम सबको भूल जाना चाहिए, बट मेरे लिए तो 2020 अच्छा था। मैंने जैसे कि मैंने वीडियो में बोला, और सभी को पता है कि मेरी विंडो मेरी लाइफ में आई थी 2020 में, तो मेरे लिए तो अच्छा था। ठीक है, तो ये है। और आज हमारी वीनू को हो गए हैं 11th मंथ कंप्लीट, 4 फरवरी को है उसका बर्थडे। तो आज है 4 जनवरी, 4 जनवरी के दिन आज मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। तो आज 11th मंथ जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और तो इसलिए भी थोड़ा सा मैंने उसके जो बर्थडे की थीम है वो शूट करनी है, तो वो मैंने व्लॉग तो करना था, तो मैं नहीं डालती बर्थडे, वो तो मैं किसी और अनदर व्लॉग में भी डाल देती या अलग से थीम डाल देती। बस बस मन किया यार चलो शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान ध्यान बटेगा। तो 8 बजे का टाइम है, और मुझे बनानी है आज बंद गोभी की सब्जी। बंद गोभी की सब्जी कोई किसी तरीके से बनाता होगा, कोई किसी तरीके से बनाता होगा, कोई आलू डालता होगा, कोई मटर डालता होगा, कोई कुछ डालता होगा, तो मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ। तो आज एक तरीका है जो मैं आती है, वैसे तो सबको आती है, कोई बहुत सिंपल रेसिपी वो है सब्जी है, कोई ऐसे कोई टफ टास्क नहीं है, तो वही बना रही हूँ। तो वही आपके साथ आज शेयर करूँगी किस तरीके से बना रही हूँ। और डिनर करने के बाद जो है हम थोड़ा सा वीनू के बर्थडे की थीम का भी प्रिपरेशन करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो चलो फिर किचन में चलते हैं और फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। तो ये रही फाइनल जो गोभी कटी है और बनके कम हो जाएगी, इसमें जाएंगे ये मटर, और अभी काट लेती हूँ मैं थोड़े से गाजर भी। तो गोभी मटर और गाजर की ये बंद गोभी मटर गाजर की ये सब्जी बनेगी। और ये रहे गाजर जो कि फ्रिज में रख के सूखने लगे हैं, बट चलो जितना इसमें से यूज हो पाएगा वो मैं यूज करती हूँ। अच्छे खासे फ्रेश गाजर थे पर मैं रख के भूल गई, तो ये 3 गाजर मैं इसमें डालूंगी, और ये हरी मिर्च। चलो फिर ये सब जो रह रहे चॉपिंग करने का काम से चॉप कर लेती हूँ और फिर बनाती हूँ सब्जी को। तो कैमरे ने कर लिया फोकस, छील लेती है गाजर को। सारी सब्जी होगी चॉप, गाजर मटर टमाटर हरी मिर्च, और एक कढ़ाई जिसको पे चला लेते हैं हम गैस को, गैस करते हैं, गैस ऑन कर लिया है, ये पानी सूख जाए तो फिर डालते हैं इसमें तेल। यहाँ टमाटर डालने के बाद ही थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद ही मैंने इस पे मटर भी ऐड कर दिया। मटर ऐड करने का इस टाइम पे रीज़न ये है क्योंकि आजकल मटर उतने सॉफ्ट नहीं आ रहे, तो सॉफ्ट ना आने के कारण वो पकने में थोड़ा प्रॉब्लम करती है। तो मैं इस तरीके से टमाटर के साथ डाल देती हूँ मटर, तो वो तेल में पहले वो थोड़ा पक जाती है अच्छे से, क्रिस्पी सी मतलब हो जाती है, पक जाती है मतलब, और फिर उसके बाद मैं बाकी चीज़ें डालती हूँ, इसलिए मैंने ये पहले जो है ऐड कर दी है।
अब धीरे धीरे करके सारी गोभी मैं इसमें डाल दूंगी। तो आप देख रहे हो कि कढ़ाई भर चुकी है गोभी, तो इस स्टेज पे मैं जो है गोभी को मिलाती नहीं हूँ, इस तरीके से ढक के रख देती हूँ, क्योंकि उसको मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ढक के रखने से क्या होता है, वो थोड़ी देर में भाप से कम हो जाती है। तो आप जैसा कि आप देखोगे भाप से ये हो गए कम और नीचे जो है सॉफ्ट हो जाएगी, तो इस टाइम पर इसको थोड़ा मिला दो तो फिर सही रहता है, मसाला सारा एक साथ मिल जाता है। अगर पहले करने लगोगे तो फिर गोभी जो है बर्तन से बाहर गिरती है, इस वजह से मैं पहले ढक के रख देती हूँ। और यहाँ रही हमारी वीनू मैडम। वीनू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 11th मंथ बर्थडे। ई गधो, कैसा लग रहा है आपको आज के दिन, कैसा फील हो रहा है? हाँ अरे मेरा बेताब खड़ा होने लग गया, आप लोग देख सकते हो थोड़ी देर रुक के खड़ी होती है ये। चंपी 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 चंपी, क्या क्या चाहिए आपको? चलो फिर बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय। हाँ बाय, जा रहे सब अपने घर, बाय। काका बोल दो, काका नम नम नम, काका काका काका। पाँच से दस मिनट के लिए मैंने इसको सिम आँच में करके जो है पकने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि ये जल्दी से गल जाती है और मटर भी ऑलमोस्ट हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं ये जो गाजर था ना ये देख रही थी दबा के कि ये हुआ नहीं हुआ, और हल्की सी सब्जी जो है नीचे चिपक गई, क्योंकि वो बस मैंने बीच में एक बार नहीं चलाई, तो इस चीज़ का आप सावधानी रखना, आप जो है देखते रहना। आटा गुज चुका है, रोटी बनानी है, तो उससे पहले जो हमें करना है उसके वीनू के थीम के लिए वो हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, और वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या कर रहे हैं इस बार, क्या है उसका 11th मंथ का थीम। और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दो दिन, कल संडे का दिन था, काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, आज भी इतनी ज़्यादा बिजली कड़कने के साथ बारिश हुई है। दिन में गर्मी हो गई थी, धूप बहुत तेज थी, फिर अचानक से इतनी तेज बिजली कड़की। मैं कपड़े देने गई थी वीनू को लेके, वो डर के एकदम से मुझ पर चिपक गई और बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा बहुत तेज कड़की थी बिजली। तो फिर अब कर लेती हूँ उस थीम को रेडी, और फिर डिनर करके व्लॉग की एडिटिंग करेंगे। चलो तब तक आप वो थीम देखो कैसी लगी है। तो इस मंथ के बर्थडे की थीम जो कुछ थी सिंपल सी थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, इस तरीके से एक केक बना दिया जो कि क्लोथ से बना हुआ है, और उस पर 11 रख दिया, बीच में एक कैंडल, और साथ में उसके जो है ये टॉयज़ है जो कि वीनू के फ्रेंड्स है, और कोई तो फ्रेंड्स है नहीं इस वक्त, तो ये बेड पे बनाया था इस बार, तो ये था। और यहाँ पर हमारे वीनू मैडम जो आ गई हैं, आप इनका चलेगा अपना ड्रामा। हाँ डिनर विनर हो चुका है, और थीम कैसी लगी ज़रूर बताना। ये बर्तन भी जो है धुल चुके हैं, और अब करती हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग, और फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। और आप सभी को दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर, और बाय बाय बाय।